हम तुम्हारे साथ हैं। नंबरदार जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पहले तो देखो जी, मुख्यमंत्री जी का ही दावा है, वो लड़े उसी पे हुआ। अगर वो पार्टी कोई फैसला कर लेती है कि लाडवा जैसा सुनने में आ रहा है कि कहीं करनाल कह रही है, नैनगढ़ कह रही है, अगर वो जाता है तो फिर उसके बाद सेवा हम कर रहे हैं, बैठे हैं। 25,000 से नायब सिंह सैनी ने जीती थी, ऐसी लीड करी थी जी। तो हम वो क्रॉस कर देंगे जी, अब दावा है हमारा पूरा। मुकाबले में तो आपको पता भी, चलो कांग्रेस और बीजेपी है जी, यानी मानते हैं कांग्रेस से मुकाबला है। नहीं, कांग्रेस ने अंबाला का नारायणगढ़ हलका मुख्यमंत्री नायब सैनी का गृह क्षेत्र है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के हलके में भाजपा नेता सुरेश पाल नंबरदार ने टिकट के लिए दावेदारी ठोक दी है। हालांकि सुरेश पाल नंबरदार ने नारायणगढ़ के टिकट पर पहला हक मुख्यमंत्री नायब सैनी तो दूसरा हक मुख्यमंत्री की पत्नी सुमन सैनी का होना बताया है। सुरेश पाल नंबरदार का कहना है कि उनकी इच्छा नारायणगढ़ में दोबारा कमल खिलाना है। इसके लिए सुरेश पाल ने प्रचार भी शुरू करते हुए डोर टू डोर लोगों के बीच जाना शुरू कर दिया है। सुरेश पाल नंबरदार का कहना है, वैसे उन्होंने नारायणगढ़ में कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा, लेकिन वो विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे और कांग्रेस की नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी को टक्कर देते हुए उन्हें हराने का काम करेंगे। बीजेपी को वोट डालना है लाला जी, बीजेपी को वोट डालना है जनाब, बीजेपी को वोट डालनी है। सुरेश पाल नंबरदार ने हमारे साथ खास बातचीत में क्या कुछ दावा किया, आइए आपको सुनवाते हैं। हम इस समय खड़े हैं मुख्यमंत्री के गढ़ नारायणगढ़ में, जहां पर आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि भाजपा समर्थक जो है यहां पर डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे हैं। भाजपा समर्थक यहां पर लगातार एक एक दुकान पर जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। और हालांकि अभी टिकटों का आवंटन नहीं हुआ है, बावजूद उसके भाजपा समर्थक सुरेश पाल जो है, जो कि मुख्यमंत्री के कजन ब्रदर भी बताए जाते हैं यहां पर, और वो इस समय हर दुकान पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और कमल के फूल के ऊपर वोट लगाने की बात जो है वो यहां पर कर रहे हैं। फिलहाल जो सुरेश पाल हैं, जिनको यहां पर नंबरदार कहा जाता है, मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुरेश पाल जी, अभी टिकटें भी नहीं मिली और लगातार जो है आप जा रहे हैं बाजार के अंदर, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। अपील तो करनी पड़ेगी, बिगल बज चुका है इलेक्शन का, तो आपसे अपील करेंगे तभी उसमें गाड़ी आएंगे जी, भी वोट पाए कमल के फूल को, तो इसमें लगे हुए हैं। सुरेश पाल काफ़ी लंबे समय से मुख्यमंत्री के साथ जुड़े रहे हैं, नायब सैनी जब जिला प्रधान थे उससे पहले से भी जो हैं आप लगे हुए हैं, क्या लगता है आपको इस बार नारायणगढ़ से टिकट किसको मिलने वाली है? आप भी टिकट के दावेदार हैं। पहले तो देखो जी, मुख्यमंत्री जी का ही दावा है, वो लड़े उसी पे हुआ। अगर वो पार्टी कोई फैसला कर लेती है कि लाडवा जैसा सुनने में आ रहा है कि कहीं करनाल कह रही है, नारायणगढ़ कह रही है, अगर वो जाता है तो फिर उसके बाद सेवा हम कर रहे हैं, बैठे हैं लोगों के, बाकी जो पार्टी हाईकमांड फैसला कराएगी वो ठीक है। सुमन सैनी जो है मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है, वो भी टिकट की दावेदार है, टिकट की दावेदार है, वो ठीक है। पहले मुख्यमंत्री जी, उसके बाद वो है जी, तीसरे नंबर पे फिर हम। अगर अगर आपको मौका मिलता है तो किस तरीके से सेवा करेंगे, क्या सोचा हुआ? सेवा तो पता है सब लोगों को कैसे करते हैं, हम 20-30 साल से बैठे हैं जी, पूरी बैठे हैं यहाँ ही अपना मिर्जापुर में, चंडीगढ़ भी जाने की जरूरत नहीं, उरी से काम कर देते हैं। तो ये है, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जो है वो जनता के बीच जाने वाले हैं? हाँ, जनता मुद्दे तो क्या है, जो भी कोई काम है लोगों की जो दिखते हैं वो हम यही ठीक कर देते हैं, तो और मुद्दा तो क्या कोई भी नहीं है, बाकी तो पार्टी ने सब काम कर रखे हैं, विकास करवाया है। हाँ, सारे विकास हुए हैं, फिर भी कोई रह गया कोई छोटा मोटा, उसके लिए हम तैयार हैं, ये नौजवान साथ है हमारे जी। सुरेश पाल नंबरदार ने मुख्यमंत्री के साथ रहकर खूब काम किया, तो कहीं ना कहीं तमन्ना तो होगी कि आपको जो है वो मौका मिले और आप जो है वो इस बार चुनाव लड़ें। तमन्ना तो देखो सबकी होती है जी, बाप बेटे की होती है, भाइयों से होती है भी, हाँ भाई क्यों नहीं हमको भी मौका मिले जब सेवा करी है, तो तमन्ना तो होती है। अगर आपको मौका दिया जाए तो किस तरीके से काम करेंगे? काम तो पता है पब्लिक को, पहले ही पता है, 24 घंटे नहीं के बीच में बैठे हैं, मेरे को शौक है,
सेवा करने का, बगैर शौक के काम नहीं होता। एक आदमी बन के दिल्ली चला गया, चंडीगढ़ चला गया, पूछ रहे हो रहे लोग, हम बैठे यही यही नारायणगढ़ बैठे हैं, 20 साल से नारायणगढ़ बैठे हैं, हर दुकान को पता है, हर सबको पता है। तो क्या लगता है इस बार लोग मौका देंगे आपको? मौका बिल्कुल देंगे, 100%, 100 से भी घड़ी लिखा सकते हैं, विश्वास है। मुकाबला किससे मानते हैं आप? मुकाबला तो क्या है, मुकाबले में तो आपको पता है भी, चलो कांग्रेस और बीजेपी है जी, यानी मानते हैं कांग्रेस से मुकाबला है? नहीं, कांग्रेस से। रामकिशन गुज्जर का गढ़ माना जाता है ये, अगर रामकिशन गुज्जर सामने आते हैं तो क्या लगता है कितनी वोटों से जो है हरा पाएंगे? हम लगभग 20-25 हजार का, तो हमारा 25 हजार से नायब सैनी ने जीती थी, हम 25 का आंकड़ा पार कर देंगे, यानी पूरा 25 हजार का आंकड़ा पार कर देंगे। 25 हजार से नायब सिंह सैनी ने जीती थी ये सीट, लीड करी थी जी, तो हम वो क्रॉस कर देंगे जी, दावा है हमारा पूरा। तो ये हमारे साथ सुरेश पाल नंबरदार हैं, जो कि मुख्यमंत्री के चचेरे भाई भी हैं, और साथ साथ अभी से, हालांकि टिकटों का आवंटन नहीं हुआ, लेकिन बावजूद इसके लगातार ये बाजार में जा रहे हैं, लोगों से वोट अपील कर रहे हैं, भाजपा का झंडा जो है वो बुलंद किए हुए हैं। फिलहाल इन्हें भी उम्मीद है कि अगर इन्हें इस बार टिकट मिलती है तो ये निसंदेह बीजेपी के लिए, नारायणगढ़ के लोगों के लिए, नारायणगढ़ की आवाम के लिए काम करेंगे। फिलहाल जो है ये डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, लगातार जो है ये इनका प्रचार चल रहा है, एक एक दुकान पर जा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक एक दुकान पर जा करके ये लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार भी कमल के फूल के ऊपर जो है वो बटन दबाकर वोट कमल के फूल को ही देना। तो फिलहाल हम पहुंचे थे नारायणगढ़, जहां पर हमने आपको सुरेश पाल जी से जो है वो बात करी, उनसे जाना कि आखिरकार जो टिकट की दावेदारी वो ठोक रहे हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अगर सुरेश पाल नंबरदार को टिकट मिलती है तो वो नारायणगढ़ में भी जो है भाजपा का कमल खिलाने में कोई कोर कसर छोड़ेगा।